जोहार साथियों, अभी हम हैं अपने क्षेत्र पेटवार में और पेटवार के ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये है सखुआ का पेड़। पेटवार का जंगल है, बुंडू बन का जंगल। और आपको बताते चले कि हम लोग का झारखंड का सबसे बड़ा पर्व सरहुल पर्व है। सरहुल पर्व के अनुसार सखुआ बिछे ऐसा बोल पाए तब न तो इटा सखुआ के दाना ला की। हाँ, सखुआ कर दाना ला। दीदी नाम की हेलो तोर हामा आर ई जे सखुआ के पई जे गोटवा लेग रहा ला एकरा की करवा कबे दाना बनाइबे दाल दरबे पड़ाई के एकरा सुखाइबे ओकर बादे दाल बनेबे ओकर बाद आर की इटक बने साबुन तेल साबुन तेल खाबो घरे आर बकरी के जैसे पतला पैखाना होन त दवाई के भी काम करो होन बकरी के भी सिझाई के खियाओ हे। तो ये देख रहे हैं आप लोग कि सखुआ जो सरहुल हम लोग मनाते हैं सखुआ का पेड़ का कितना महत्व है झारखंड का जो जल जंगल जमीन का झारखंड में यहाँ पे पेड़ का महत्व जल जंगल जमीन बचाने के लिए झारखंड के लोग संघर्ष करते हैं। और ये जो हम लोग का सखुआ का पेड़ है आप जानते हैं कि हमारे आदिवासी मूलवासी सरहुल पूजा करते हैं जिसमें सखुआ का जो पेड़ को संरक्षित करने के लिए। और कहीं ना कहीं देखिए सखुआ का पेड़ से हमें क्या दे रही है अभी तमाम महिलाएं हैं जो इस क्षेत्र की करीबन सैकड़ों महिलाएं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि सैकड़ों महिलाएं आई है सैकड़ों महिलाएं पेटवार प्रखंड के बुंडू पंचायत के पूर्णा पानी गांव की महिलाएं आसपास के छोटे छोटे बच्चे लोग भी हैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि यहां इन लोग आए हैं और किस तरह से बीछ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं पेड़ ये है सखुआ का पेड़ और ये देखिए सब लोग जमा करके रखी है और इनको मार्केट में सेल भी करते हैं मार्केट में बेचने का भी काम करते हैं जिसमें अच्छे खासे इनका इनकम हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इतने जमा हो चुका है और ये इसमें दाना बनता है जिसमें दाल भी बनाते हैं लोग दाल के साथ साथ तेल निकालते हैं इसे केमिकल डालकर साबुन भी बनाया जाता है। तो इस तरह का बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं। और बताते चले कि इस सखुआ का पेड़ से हम लोग दातून भी करते हैं साथ ही साथ ये जो लकड़ी है बहुत काम का लकड़ी है इसमें घर दरवाजा वगैरह भी बनाने के लिए तमाम चीज़ें के लिए काम देती है। लोग से जाने कर सकते हैं जोहार दीदी जोहार की बीचे सरे बीचे ही है कि नहीं लगन से बड़ी थी इटा लोग देखब तो कि इटा से की है वो बताओ कि जो सरे के गोटवा है इटा से की है वो जैसे तो की कर इटा बेचबे ना बेचबो तो इटा कैसे किलो लो है पहले तो पतियान झारे है तो नहीं इसने ले तो नहीं दाल करके दाल करके आ कैसे किलो बेचा हो बाजार में नहीं बेचला ही हम नहीं बेचले नहीं दाल करके रखला ही बेचल नहीं। ओ तो अगला साल बेचे ले बिन एहे साल बेचबो आओ बहुत हम व्यापारी है तक। ओ तो ये मतलब कि खा भी है दादी दीदी सब लाजा आती तनी कि कैमरा में आवेल कहे कि गांव देहात के हमनी के कहियो मोबाइल में कैमरा में ऐसा वीडियो नहीं बनल नहीं दीदी और हंस भी रह चल कोई बात नहीं। और दिखाते हैं कि किस तरह से महिलाएं आई है और बीच रही है आप लोग को लेके चलते हैं देख सकते हैं रोड के उस पार भी जंगल है और उस जंगल में भी काफ़ी ज़्यादा महिलाएँ हैं और चारों तरफ सखुआ का पेड़ है और सखुआ पेड़ में सखुआ का जो बीज है उसी बीज को तमाम बच्चे छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं आए हैं बिछने के लिए जिसमें आप देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में इस सरहुल का कुछ ही दिन पहले सरहुल का फूल फूला था और सरहुल भी मनाया गया था सखुआ का फूल में। और सखुआ का पेड़ का कितना महत्व है और भी महिलाओं से जानने का प्रयास करते हैं और पूछते हैं कि सखुआ का जो दाना लेके आप लोग जा रहे हैं इससे क्या क्या और चीज़ें होती है। दीदी जोहार की नाम बोलो लोग के देखब तू लोग देखब तू कि ईटा से की है वो है पहले ईटा कहाँ के टका के हाँ सरहुल पर्व मना ला ले बाहर पर्व है यहाँ हम तो आए ले कहे कि ईटा बेचबे नहीं घर तीनों रिंदे दाल करबे इटा तीनो या रिंदबे घुनियो करबे बेचबो करबे सावाद कैसे लागो सावाद बूट नहीं यार लागो एकदम बूट नहीं
तोहर नाम की भेले? हमर देव मातो। देव मातो। हाँ। ए फोटो के नहीं फोटो करबो इटा जितो नेट में। नेट में? हाँ ये यूट्यूब में अपनो मोबाइल में तोर बेटा हो ना ऐसा मोबाइल में देखतो तोरा। अच्छा। हाँ वाले तो बतेबे बेस बेस जानकारी देबे तो पूरा राज्य के लोग टा सबे लोग जानब तू। हाँ, तो नहीं तो जैसे पूर्णा पूर्णा के आदमी लोग तो ढेरे जानब तू ने नवा पुतौली कम जानब कि बढ़िया चीज है वाले देखाना चीज हो झारखंड के चीज लाइक झारखंड की चीज देखाना जरूरी है ना ताकि आर जगह लोग जानब थी सब जगह अलग अलग नियम कानून है हर जगह। हाँ आजकल सब डिजिटल है गल है ना आजकल सब कोई पैसा भी आप रखे एटीएम में रखे यार वो मोबाइल से पैसा इधर उधर है। तो आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे बच्चियां सब लोग सखुआ का पेड़ आप देख रहे हैं किस तरह से है पूरा पेटवार प्रखंड का क्षेत्र में और यहाँ हजारों की संख्या लाखों की संख्या में सखुआ का पेड़ यहाँ पे कई वर्षों पहले लगाई गई थी और यहाँ सुंदर जो दिखता है पेटवार खूबसूरत तो इसी हरियाली के कारण और इस जंगल के खूबसूरती यही है कि इस जंगल से हमें झारखंडियों को लोगों को एक देख सकते हैं कि एक फल भी देता है और ये देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाएँ चुन रही हैं और आपको बताते चलें कि इससे तमाम चीज़ बनती है। इसका आपको मैं बताऊं कि ये पत्ता हटाने के बाद यहाँ बूट बनेगा दाल बनेगा तेल बनेगा इससे साबुन भी बनाया जाता है। तो आपको बताते चलें कि अगर जल जंगल जमीन बचा रहेगा तो हमारी संस्कृति पहचान बची रहेगी और जीव जंतु भी बचे रहेंगे। और अच्छा लगा आप लोग को ये चीज़ दिखाएं शहर का लोग ये सब चीज़ नहीं जानते होंगे इसीलिए आप लोग को बताना चाहेंगे कि ये चीज़ खाने वाला चीज़ है जो सखुआ का पेड़ में सखुआ का पत्ता से पत्तल भी बनता है दातुन भी बनाते हैं। आपको बताते चले कि पेड़ का जो जितना तना है इस तना से लकड़ी से कितना कारी भी होता है दरवाज़ा बनाने से लेकर खिड़की दरवाज़ा बनाने से लेकर तमाम चीज़ें तो पेड़ हमें सब चीज़ देती है लेकिन हम लोग फिर भी पेड़ को काटते हैं। हम चाहते हैं जितने लोग हैं सब एक दो पेड़ लगाएँ और आपको बताते चलें कि गांव के लोग जो होते हैं वो पेड़ पौधा हमेशा बचा के रखते हैं और प्रकृति को नष्ट होने नहीं देते हैं। जल जंगल जमीन बचा रहेगा तो आप सुरक्षित रहेगा और लोग भी सुरक्षित रहेंगे। आपको बताते चले इसका तेल से दवा भी बनता है अरे पहले तो धान सीझो ली पतियान भी लगा थे रिंधे ले आजकल तनी कोयला उला है गेले लोग गैस भ गेले और लोग तनी आजकल के बेटी पुतौ ये सब ना करे खोज तो बहुत कुछ यहाँ से यार इटा से आदमी पतरी भी कर रहा आजकल तो आ गए प्लास्टिक वाला प्लास्टिक वाला गलबो ना करते इटा के जे गाढ़ा खोन के तोड़ दला गल गेलो हाँ माइंधो है वो है। तो ये चीज देखें कि हमारे क्षेत्र पेटवार प्रखंड की तमाम माताएं बहने आई हैं और ये जो सखुआ का पेड़ है उसके जो बीज है वो बीज अभी उठा रही है एक जगह जमा कर रख रही है कोई इसको बेचेंगी और अपना रोजी रोजगार के लिए एक साधन भी है। साथ ही साथ बताते चले आप लोगों को कि इससे तेल निकाला जाता है सखुआ का तेल आपको पता होना चाहिए। सखुआ का तेल आपको दिखा दे रहा हूँ यही है वो सखुआ का तेल इसका दाल भी बनता है इसको बूट की इस तरह इसको भूंज के खाया भी जाता है इसका भुंजिया बना के भी लोग खाते हैं। साथ ही साथ ये फैक्ट्रियों में जाकर एक साबुन बनता है केमिकल डालने के बाद तो इतने सारे चीज़ होते हैं इससे और इस पत्ते से आपको पत्तल बनते हैं जब ये हरा रहता है तो पत्तल बनते हैं जो देसी आप खाना खाते हैं लोग बहुत सारे होटल में जाके पत्तल में खाना खाते हैं तो इसी के पेड़ के पत्ते से बनता है। साथ ही साथ दातुन बनता है तमाम चीज़ें सखुआ का पेड़ देती है और झारखंड का सबसे बड़ा पर्व है सरहुल पर्व जो कि इसी पेड़ के फूल फूलती है यानी सखुआ का फूल फूलती है तभी सरहुल पर्व मनाया जाता है। तो तमाम चीज़ जानकारी दिया झारखंड के रिगार्डिंग था इसीलिए मैं सोचा कि आप लोग को रूबरू करवा दूँ इस चीज़ के बारे में।
बहुत कम लोग जानते होंगे इसके बारे में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।